नमस्ते मित्रों, हम जानेंगे चॉकलेट के दुष्परिणाम। चॉकलेट हृदय, मस्तिष्क, मन व मन बुद्धि पर विपरीत प्रभाव डालता है। इसका सेवन कई घातक बीमारियों का कारण है। इसमें पाए जाने वाले हानिकारक तत्व, पहला है कैफीन। कैफीन व्यक्ति को चॉकलेट खाने के अधीन करता है। इससे चित्त अधिक विचलित होता है, नींद बिगड़ती है, सिर दर्द व आंतों के विकार उत्पन्न होते हैं। हृदय, रक्त संचरण ग्रंथियों से संबंधित तकलीफें, तांत्रिका विकार, अस्थि भंगुरता, महिलाओं के प्रसव संबंधी तकलीफें तथा अन्य रोग होते हैं। सेकंड है सीसा, लेड इसमें डलता है। यह एक अत्यंत हानिकारक खनिज है जो बौद्धिक विकास रोकता है। इससे बुद्धि गुणांक कम होता है, हृदय की गति में अतिरिक्त वृद्धि होती है। तीसरा है थियोब्रोमाइन, असामान्य ग्रंथ वृद्धि, अवसाद, बेचैनी, अनिद्रा, पाचन तंत्र के रोग और खुजली जैसे रोग होते हैं। चौथा, वैसो एक्टिव एमाइंस, मस्तिष्क की रक्त वाहिनियों को प्रसारित कर सिर दर्द कराते हैं। पांचवा है सेचुरेटेड फैट्स व अतिरिक्त शर्करा, कोलेस्ट्रॉल व ब्लड प्रेशर बढ़ाते हैं। हृदय की रक्त वाहिनियों को अवरुद्ध कर हृदय रोग उत्पन्न करते हैं। इसमें मोटापा, दांतों के रोग व कील मुहासे होते हैं। छठवां, थियोफाइलिन, पेट की तकलीफें व तांत्रिक विकार होता है। सातवां है टीरप्टोफेन, शुरू में खुश खुशी व स्फूर्ति का एहसास दिलाकर बाद में थकाता है। अतः हानिकारक द्रव्यों से युक्त ऐसे चॉकलेट का सेवन करने की अपेक्षा स्वास्थ्य, बुद्धि व बलवर्धक तुलसी गोलियों का सेवन करें। तो आप जान चुके हैं चॉकलेट के कितने नुकसान हैं, और चॉकलेट को बहुत गलत तरीके से बनाया जाता है, पेपरों में भी आ रहा है। चॉकलेट में पशुओं के भी कुछ चीज़ें डाले जाते हैं, बछड़ों के भी, जैसे कि डेयरी मिल्क है इसमें बछड़ों का भी डलता है। तो ये सब हमारे मतलब संस्कृति को गिराने के लिए एक गहरा षड्यंत्र है। तो आप समझिए और आप चॉकलेट खाना बंद कीजिए, इससे दांत भी सड़ता है। बच्चे लोगों को अगर खिलाते हो आप तो देखे होंगे आप उनका दांत कैसे सड़ जाता है, और कई कई चॉकलेटों में आप देखे होंगे कीड़े भी दिखते हैं। डेयरी मिल्क के अंदर भी कई लोगों ने देखा है वाइट वाइट कलर का। तो इसलिए आप जितना हो सके अच्छी चीज़ें खाएं, घर में बनाया हुआ एक से एक चीज़ बना सकते हैं। व्यंजन 11,000 प्रकार के व्यंजन हैं, आप वो बना के खाइए, अच्छी चीज़ें, ताज़ा चीज़ खाइए, ये सब कई दिनों के रहते हैं। तो इसलिए आप अच्छे चीज़ें इस्तेमाल करें अपने भविष्य में। जैसा खाएंगे आप वैसा आपका तन मन सब रहेगा, तो इसलिए अच्छा खाएंगे तो शरीर भी अच्छा रहेगा। जय श्री राम।